अस्सलाम वालेकुम। एक बरेलवी है जिनका नाम है फारूक, मुंबई के है। इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया है, इनका नाम है ट्रू इस्लाम। हाय, देखते हैं इस एप्लीकेशन की हकीकत। आज हम इस एप्लीकेशन को और बरेलवी के ओ को दोनों को एक्सपोज करने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई इस एप्लीकेशन से दुश्मनी करता हूँ, नौज बिल्ला, यह मतलब नहीं। मैं तो बरेलवी को ये सजेशन दूंगा और उन्हें कहूँगा कि इस एप्लीकेशन में फारूक जो है, उनके भाई फारूक जो है, उनकी मदद करे माली हिसाब से, मतलब पैसे के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुरान हदीस का मतलब जो है ना, एंट्री चालू है इसमें। कुरान का मुकम्मल किया है इन्होंने, पूरा रोमन में डाला है, कंजुल इमाम, अच्छा काम कर रहा है। इसमें बरेलवी की मदद करनी चाहिए। इससे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है इस एप्लीकेशन से, ये बात जान ले, ना फारूक से दुश्मनी है मुझे कोई। इसमें देखिए, इसमें अकायद का सेक्शन जो है ना डाला है, अकायद का। मैंने कहता था पहले कि भाई बरेलवियों का जो अकीदा है ना, जो भी उनके अकायद है, वो दलाइल से यतीम होकर अकायद है उनके। उनके यहाँ अकीदा कैसे बनता है मालूम है? फलां मौलवी साहब ने कुछ कह दिया, अकीदा बन गया। फलां मौलवी साहब ने ये लिख दिए किताब में, बन गया। अहमद या साहब ने कुछ कह दिए, वो अकीदा बन गया। मतलब जो कुछ कह दे अकीदा बन जाता है, ठीक है। इनके यहाँ मतलब अकीदा ऐसे बनता है, दलाइल कुछ भी नहीं होता। मैं इसी के एप्लीकेशन से साबित करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग दलाइल से अकीदा नहीं बनाते, ये लोग दलाइल से यतीम होकर अकीदा बनाते हैं। ये देखिए, इन्होंने डाला है अकीदाए तौहीद, अकीदाए रसालत, उसके बाद डाला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक अकायद। वीडियो को हम शॉर्ट करेंगे थोड़ा, ठीक है। इन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों के सरदार है। उसके बाद सेकंड अकीदा कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नूर और अफजलुल बसर है, बेमिसल बसर है, ब्रैकेट में डाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरु मिन नूरुल्लाह कहते हैं, मतलब अल्लाह में से नूर है। ये जो नूरु मिन नूरुल्लाह है ना, ये डायरेक्ट कुरान के अगेंस्ट है, लम यलिद व लम यूलद के अगेंस्ट है। अल्लाह ताला कहता है कुरान में, ना उससे कोई है ना वो किसी से है। लेकिन बरेलवी क्या कहता है? नूरु मिन नूरुल्लाह। बरेलवी कहता है कुरान तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं। हम कहेंगे नूरु मिन नूरुल्लाह, अल्लाह में से नूर है। अल्लाह कहता है अल्लाह में से कोई नहीं है, लम यलिद व लम यूलद। लेकिन बरेलवी कहता है नहीं, अल्लाह में से नूर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहा नूर है, ठीक है। इसको दलील देखिए, इसका कुछ भी नहीं। सेकंड नंबर का जो है दलाइल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देख ले, एक जगह यहाँ पे कुरान का दिया है, सूरह अंबिया आयत नंबर 107, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आपको तमाम जहानों के लिए आपने रहमत बना के भेजा। इसमें कहाँ ये है कि वो नूर मिन नूरुल्लाह है? पहला हो गया, ये आठ नकल किया, आठ में से सेवन में दिया है एक दलील सूरह अंबिया का। इससे तो किसी का भी इनकार नहीं, इसमें किसी का इख्तलाफ ही नहीं। ये हो गया अकायद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अकायद। उसके बाद देखे, इनके जितने भी है ना, सब इसी तरह के। यहाँ देखे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है अताई इल्मे गैब मानते हैं। अताई इल्मे गैब का मतलब जो है ना, बरेलवी खुद बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावर है, उनको दे दिया गया, वो खुद से कुछ भी जान सकते हैं। बरेलवी खुद कहते हैं, उनसे पूछे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत का इल्म है कि नहीं, तो वो कहेगा, मतलब ना हाँ बोलेगा ना ना बोलेगा, खामोशी इख्तियार करेगा। क्योंकि कुरान में आया है कि अल्लाह ताला कहता है, ऐ नबी, आपसे ये लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगा, आप कह दीजिए इनको कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अब बेशुमार आयात है कुरान में जिसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ज़बान से ही कहा गया कि आप कह दीजिए कि आप गैब नहीं जानते, और बेशुमार आयत है कि अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता। ये हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार, पावर। अब उन्हें क्या बुरा लगा? यही ना कि अल्लाह और रसूल ने उन्हें अपने फजल से गनी कर दिया। सूरह तौबा आयत नंबर इतना ये पूरा दिया है,
इसमें तो मतलब ये जो आयत है इसमें किसी का ये नहीं है, नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददगार। चलिए ये देखे, नबी की दो बीवी अगर अल्लाह की तरफ तुम रुजू करती हो, तफसीर खाजिन अल तहरीम तहतुल आया 4485, तफसीर मदारिक। मतलब ये जो अकीदा बनाता है, तफसीर भाई, तफसीर एक रेफरेंस बुक है, ठीक है। हर मसलक ने अपने अपने मतलब तफसीर जो है ना लिख रखा है, और मतलब जो अपने अकायद रहे वो डाल दिए उसमें। तो भाई तफसीर एक रेफरेंस बुक है, अकायद जो बनता है कुरान और सुन्नत से बनता है, रेफरेंस बुक है। तफसीर में कोई रेफरेंस है उसको ओरिजिनल किताब में देखा जाएगा कि बाकी वो जहाँ से उन्होंने नकल की है वो सही है कि नहीं, सही सनद से है कि नहीं, सही रिवायत है कि नहीं, ये देखा जाएगा। अब नूर वाली जो हदीस ये लोग पेश करते हैं उसको खुद इनके बहुत बड़े मुहद्दिस है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इनका जो है ना, क्या नाम है उनका, उन्होंने खुद कहा है कि यह हदीस जो है ना ज़ईफ़ है, हम भेज देंगे वो रसूल सल्लल्लाहु हाजिर और नाजिर है। नबी मुसलमानों के उनकी जान से ज़्यादा मालिक है और उसकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं। तो इसमें कहाँ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है, मतलब अपने बाबा की तफसीर लेके, मतलब कोई अपने मतलब की तफसीर हो उससे लेकर उससे अकीदा बना ले, यही तुम लोग का इसी तरह अकीदा बनता है। तफसीर तो एक रेफरेंस बुक है, ओरिजिनल किताब में देखा जाएगा वाकई हु बहू है कि नहीं। अकायद जो बनता है भाई सरे नस से बनता है, वो सरे नस से नस होना चाहिए उसके लिए, दलील कतई होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, ये नहीं कि किसी से भी मतलब कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखे कहीं भी नहीं है, इसमें भी ये आयत पेश करते हैं सूरह मैदा की आयत नंबर 65, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। तो भाई इसमें नूर मी नूर इल्ला कहाँ है, नूरुल हिदायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को नूरुल हिदायत मानने में किसी का इख्तलाफ नहीं, सभी लोग मानते हैं, न अहले हदीस न देवबंदी न नूरुल हिदायत, सभी मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुल हिदायत, जैसे कुरान ने नूरुल हिदायत उसी तरह 30 आयत से कोई मुराद ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने मुराद लिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर से, मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया है किसी ने कहा है कि मतलब कुरान है, तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लिया जाए तो इसमें मतलब इख्तलाफ ख़त्म कहाँ हुआ। बरेलवी नूर मिन नूर इल्ला मानते हैं, नूर से मुराद मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से ये थोड़ी साबित हो रहा है कि नूर मिन नूर इल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौज़ बिल्ला कहाँ से कहाँ सब मतलब साबित करते हैं भाई। इसी के तफसीर में ये दिया है, तफसीर बकवी, उन्होंने ये मुराद लिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद दिया 20 रकात तरावी, बहुत सारे इनके ऑनलाइन है ये एप्लीकेशन, ऑफलाइन नहीं है अभी। अल मुसन्नफ इब्ने अबी सहबा, ये जितनी हदीस बयान की है 20 रकात तरावी सब के सब ज़ईफ हदीस है, जितनी बयान की है सब के सब ज़ईफ हदीस है। सही हदीस मतलब फिका हनफी भाई रियल बताते हैं हमको, फिका हनफी ज़ईफ हदीस पर टिका हुआ है, ज़ईफ हदीस को अलग कर दिया जाए तो फिका हनफी टूट कर बिखर जाएगा, मजाक नहीं कर रहे भाई, यकीनी बात है ये। तकलीद की ज़रूरत क्यों, देख दलाल कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो मन में आया भर दिए लिख लिए बस वही है इनके यहाँ, ठीक है, दलाल कुछ भी नहीं है यहाँ देखे। अब दलाल भी दिया है कहीं कहीं पे तो वो भी मतलब उससे कुछ साबित होता ही नहीं। तो भाई मैं कहता हूँ ना भाई, इनके यहाँ जो दलाइल बनता है ना, ये इनके यहाँ जो अकायद बनता है ना, दलाइल से यतीम होकर बनता है। फलां मौलवी साहब ने कह दिया अकीदा हो गया, फलां आलिम साहब ने लिख दिया अकीदा हो गया, इनके यहाँ इस तरह अकायद बनते हैं। तकलीद की ज़रूरत को तकलीद किसे कहते हैं। तो भाई मैं बरेलवियों से गुजारिश करता हूँ कि बड़ा करम दलाइल से, ऑथेंटिक दलाइल से, अपने अब्बा हुजूर के तफसीर से नहीं, जो अपने अपने मसलक ने मसलकों वाले ने जो छाप रखा है ना कि ये तफसीर वो तफसीर, उसी को लेके चलना है एकदम। भाई तफसीर एक रेफरेंस बुक है, ओरिजिनल कुरान और सुन्नत में दिखाओ, ठीक है, तो तफसीर से नहीं, ओरिजिनल कुरान और सुन्नत में। अब तफसीर में उन्होंने जो ज़ईफ़ हदीस बयान की होगी उस ज़ईफ़ हदीस से इन्होंने अकीदा बना लिया, तो वो ओरिजिनल में देखा जाएगा ना कि वो सही है कि नहीं। तो बरेलवी से गुजारी से ऑथेंटिक दलाइल से अकीदा, मतलब अगर एप्लीकेशन बनाए हो, अकीदा का सेक्शन डाले हो
तो ऑथेंटिक दलाल डालो इसमें, ताकि और लोगों की भी इस्लाह हो सके, जैसे हम लोगों की भी इस्लाह हो सके। भाई ऑथेंटिक दलाल डालो, हम ये गुजारिश करते हैं। ये वीडियो किसी को मतलब दिल दुखाने का नहीं है, मतलब किसी को ठोस पहुंचाने के लिए हम नहीं बना रहे हैं, बस एक मतलब इस्लाही वीडियो है। जज़ाकल्लाह खैर।